हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम। दोस्तों, 8 दिनों का बंद पड़ा हुआ था इस गाय के, तो हमने कल इसका आपने देखा ही होगा वीडियो, वो जिसमें स्टोमक ट्यूब लगा के मुंह के द्वारा और इसका जो पेट पूरा खाली किया था और काफ़ी गंदगी निकली थी इसके अंदर। तो अभी आज ये गाय बहुत बढ़िया है, इसने खड़ भी खाई है, थोड़ा पानी भी अच्छा सा पी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है और गोबर भी करने लग चुकी है। कल अपने इसको एनीमा भी दिया था और प्लस इसको ड्रिप वगैरह फ्लूड थेरेपी भी दी थी और स्टोमक ट्यूब लगा के पूरा जो रूम ने इसका वो खाली किया था। तो अभी मैं ये इसने ये गोबर किया है ब्लैक कलर का, एकदम ये ब्लैक कलर का, इसका मतलब ये बंद का ज़बरदस्त तो जो है अंदर जो स्टोर हुआ सामान है ये, मतलब है ना। और अभी अच्छा गोबर का कोशिश भी कर रही है, ये भी किया इसने। एक थोड़ी सी समस्या और होगी दोस्तों, इसने दोबारा ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया और ये जो रूमन का हिस्सा होता है इसमें मूवमेंट होता है, 1 मिनट में 3 बार जो रूमन जो होता है वो ऐसे मूवमेंट करता रहता है, कभी अंदर जाएगा कभी ये ऊपर उफन के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी तक रूमन चौक है इसका पूरा, अच्छे से मतलब काम करने नहीं लगा है। तो एक बार हम फिर से इसका जो है वो रूमन खाली करेंगे। पाइप में सामान पड़ा नहीं, चल हो गया आगे तो सारो थोड़ा पेट लाइयो साहब। लाओ पेट लाओ, तो धीरे लाओ धीरे, सारा आने थले पाया जो सब नहीं है। अज भी अंदर जिमड़ है ना, सारो साफ हो गया, कोई बात नहीं। काला पानी है, काला है चूड़ी पहला भी है पानी, काल आगे काला आई रहा बजे रेडी है पहला लगे सारे। ये जहर ही तो है और के अंदर जो रुका पड़ा, ये जहर ही तो है। बस राजा जी लुआओ पेट लुआओ, चल पेट लुआओ चूड़ी आवे अब बाल हाल लगी तू भी लाए अभी आज जमड़ी जमड़ी लाल बोले। चलो 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 उठाओ उठाओ उठाओ, देखो डाट को डाट ही आवे। चक के सीधो पकड़ ले, चक के रखो ही नहीं है सीधे लागू सके लागू निकलेंगे जिस और आप हो। हाँ आज तो कम निकले, कल तो जोड़ा की कांप पर घास सार वड़ंग हुई, आज बदबू भी कम है, बदबू को नहीं थी बस पल्ली बेड़ी कर ली।
तो दोस्तों आपने देखा कि कल हमने काफ़ी मात्रा में लगभग 50-60 लीटर मान के चली, और यही को 10-15 लीटर शायद आज निकल गया होगा। तो अभी ये देखिए, इसका साउंड भी अच्छा हो गया, पेट भी अंदर धस गया पूरा, और इसकी जो आंत के ऊपर जो प्रेशर था, दबाव था, वो निकल चुका है। आंत हट गए, आंत के ऊपर दबाव जो था वो हट चुका है, और अब ये खुल के पेशाब भी करने लगी है और गोबर भी करने लगी है, और अब ये फीड पे भी आ जाएगी शाम तक। तो मैं आपको नेक्स्ट इसका वीडियो जो है फीड का जो भी होगा वो आगे फिर आपको बना के बताऊँगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार, व्यू बहुत कम आते हैं, और अच्छे से व्यू नहीं आते तो हमारा फिर हौसला नहीं बनता है, और हमारा हौसला बढ़ाने वाले आप ही हो। और आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको इससे इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके, और अपने पशुधन के लिए जो है उनको रास्ता मिल सके। और रही बात, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, आपके कॉमेंट से हमें पता चलेगा हमें किस तरह का वीडियो शूट करना चाहिए। ओके दोस्तों, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।